करना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने कोई सब्जेक्ट लिया हो या कोई स्ट्रीम चूज किया हो, हम लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। बट हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये रियलाइज करना बहुत ही जरूरी है, ये जो करियर है ये एक बहुत सीरियस चीज है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इफेक्ट योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर को इफेक्ट करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, आपके फैमिली को इफेक्ट करेगा, आपके कम्युनिटी को इफेक्ट करेगा। मान लीजिए अगर आप अपने करियर को सीरियसली लेंगे, अच्छी तरह से प्लान करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा और आपके कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा। अगर हम इफ यू विल नॉट टेक आवर करियर सीरियसली देन आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ऑलराइट, सो ये हाइलाइट्स हैं। सो कोई मुझे बता देगा ये क्या चीज है? ओके गुड, वेरी गुड। और कुछ? ओके बताएं कोई, ये क्या चीज है? डॉल। ओके समवन सेड डॉल। किसी ने स्केच कहा, किसी ने कार्टून कहा, बताइए क्या चीज है ये? अब क्या चीज इसमें नोटिस कर रहे हैं? क्या मिसिंग है इसमें? इसके कान मिसिंग है, मींस ही इज नॉट ए गुड लिसनर, राइट? सो मैं चाहता हूं आप इनकी तरह ना बने, आप एक अच्छा लिसनर कुछ टाइम तक और मुझे भी बर्दाश्त करें, ठीक है? सो सिंस वी आर हियर फॉर ए वेरी सीरियस बिजनेस, तो आप लोग कोशिश करें टू ट्राई टू बी ए वेरी गुड लिसनर। सो मुझे कहा गया कि जो आज हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर कुछ ट्वेल्थ में हैं, कुछ ट्वेल्थ पास आउट्स हैं और कुछ कॉलेज में हैं, कुछ फाइनल ईयर में हैं, कुछ ग्रेजुएट्स भी हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा बैलेंस करने का, कुछ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, आने वाले टाइम में ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं, उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चूज करूंगा। सो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन बेसिकली इन चीज पे डिवाइड होगा। पहले हम लोग एक बेसिक एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम करियर प्लान करते हैं व्हेन यू आर कंफ्यूज, जब हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है? उसके बाद ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ओवरव्यू दूंगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है वंस यू आर डन फ्रॉम योर स्कूल, ठीक है? और उसके बाद देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे लगता है स्पेसिफिकली लद्दाख में, जहाँ बहुत ही कम स्टूडेंट्स जा रहे हैं एजुकेशन अब्रॉड, कंट्री से बाहर, देयर आर लॉट्स ऑफ फेलोशिप्स, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए, उस एरिया को भी एक्सप्लोर करना चाहिए कि, तो उस बारे में भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आई एम प्रीटी मच श्योर आज के टाइम जब आप ट्वेल्थ में हैं, जब आप ग्रेजुएट्स होंगे, राइट, तो मे बी उस टाइम में यू नो यू कैन टेक दिस डिसीजन to plan your studies abroad, to plan your studies in Europe, US, Turkey, कहीं भी। So, जो career की बात मैं कर रहा था कि you know planning is something very important। होता क्या है, usually हम लोग देखते हैं कि you know हम लोग education में कितना invest कर रहे हैं, हमारे parents कितना invest कर रहे हैं। आज के time में मुझे लगता है लद्दाख में जितना आपको support और यू नो पेरेंट्स का सपोर्ट या इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट या गवर्नमेंट का सपोर्ट एजुकेशन में काफी है पिछले कुछ सालों से। बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइप का हमारा जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जिस टाइप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उतना हमको आउटपुट नहीं आ रहा है। आउटपुट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम जितने भी लोग हैं,
हम लोग अपने कैरियर को प्रॉपरली प्लान नहीं कर पा रहे हैं, हम कितने आई ऑफिसर्स आ रहे हैं, हम कितने साइंटिस्ट आ रहे हैं, हम कितने मान लीजिए यू नो अब्रॉड जा रहे हैं, बहुत ही कम लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? मीन्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मगर वो स्मार्ट वर्क नहीं है। हम यूजुअली यू नो मान लीजिए कहीं एडमिशन कॉल आया, आपने अप्लाई किया, फिर आप उसी में ये अपना अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। अब वो स्टेज चला गया, लद्दाख में अब वो स्टेज नहीं रहा, जहां क्या होता था पहले कि साइंस में कम लोग होते थे या इंजीनियर्स कम होते थे या डॉक्टर्स कम होते थे, तो उसी हिसाब से लोकल सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अपना कैरियर प्लान करते थे कि भाई यहाँ कम लोग हैं, यहाँ हमें जाना चाहिए। नाउ द सिचुएशन इज कम्प्लीटली चेंज, वी लैक क्वालिटी प्रोफेशनल। आज के टाइम में आप जो भी चीज करें, जिस फील्ड में भी जाएं, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप उसमें मेहनत करें और जो चीज आपके पास है वो क्वालिटी हो। अगर आपके पास क्वालिटी होगा, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है, फिर आप किसी भी फील्ड में जाइए, आपके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो इस कॉम्पिटिशन एरा में हमें कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ा यू नो क्वालिटी की तरफ जाए। अब क्वालिटी कब डेवलप होगा? जब हम अपने करियर को प्रॉपरली प्लान करेंगे, हम सिचुएशन के हिसाब से, अपने दोस्तों के हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम खुद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से अपना करियर प्लान करेंगे, तभी हम एक क्वालिटी करियर की तरफ बढ़ सकते हैं। तभी आपके पास जो भी ट्रेनिंग होगा, जो भी एजुकेशन होगा, वो क्वालिटी होगा। सो बेसिकली सबसे जो पहली चीज, मैं जो उस एक्सरसाइज की बात कर रहा था जो प्रेजेंटेशन में ही था, किस तरह से हम प्लान करें, चार पांच स्टेप्स के हैं। जैसे जब भी हम कंफ्यूज रहे कि हम किस तरफ जाएं जिसमें मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिसमें मुझे कामयाबी मिले, उसमें एक पांच स्टेप का छोटा सा एक्सरसाइज है, ठीक है। चाहे आप जिस स्टेज में भी हो, चाहे आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, उस कंफ्यूजन स्टेज पे आप ये थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। सबसे पहला चीज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लानिंग ए करियर इज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, इज टू रिसर्च योर सेल्फ, इज टू डिस्कवर योर सेल्फ, इज टू डिस्कवर योर इंटरेस्ट। आपके क्या इंटरेस्ट हैं? अपने आप को रीड करना है, आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, आपके क्या वीकनेसेस हैं। ये पहला स्टेप है जब भी आप करियर प्लान करते हैं, आप उसी चीज में करियर परस्यू करने की कोशिश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको करने में वी यूजुअली एंजॉय। अब किसी चीज को जब एंजॉय करते हैं तो ऑब्वियसली बार बार उसको किया जा सकता है कि नहीं, उसको करते हुए अगर कभी हम बोर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा स्टेज आ जाता है, आप एक एक्सपर्टीज डेवलप करते हो। अगर आपके पास किसी चीज का एक्सपर्टीज है, आपके पास करियर है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके पास ये एक्सपर्टीज नहीं है, मीन्स आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप इन करियर प्लानिंग इज टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें, उसी में ही आप अपने करियर को खोजने की कोशिश करें। द सेकंड पार्ट, जब आपको पता चल जाता है मेरा फोटोग्राफी इंटरेस्ट है और मैं इसमें एक करियर बनाना चाहता हूँ, अब देखें कि फोटोग्राफी में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। एज अ फोटोग्राफर यू कैन बिकम अ फोटो जर्नलिस्ट फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं। एज अ फोटोग्राफर यू कैन डू फ्रीलांसिंग, अपना कुछ फोटो डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, किसी न्यूज़पेपर को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी आप क्या बोलते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने करियर इंटरेस्ट के हिसाब से आपने थोड़ा रिसर्च करना है कि मेरे इस करियर जो मैंने इंटरेस्ट जो चुना है उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। आज के टाइम में नहीं, एक बहुत गलत चीज हम लोग क्या करते हैं, आप मुझसे पूछते हो सर आज इसमें क्या कोई करियर है। यूजुअली क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट को देख के मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, आजकल इसमें करियर बहुत
कम है. सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अब नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को प्लान चूज करोगे उसमें आपको एजुकेशन हासिल करना है, उसमें आपको ट्रेनिंग लेना है, तब तक 5-6 साल हो जाते हैं. सो करंट में ना देख के अपने आप को थोड़ा टाइम दे, आज से 5-6 साल के बाद इस फील्ड में कितना स्कोप होगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिसर्च करें. आज के टाइम में जो आपके पास जो स्मार्टफोन है, इट इज अ यूनिवर्सिटी. अगर इसको सही तरह से यूज किया जाए स्मार्टफोन को, ये यूनिवर्सिटी है. बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, यू डोंट नीड ए टीचर. ठीक है, अब टीचर का काम कब कहां आ जाता है, थोड़ा आपको गाइड करना, थोड़ा आपको मोटिवेट करना. तो इस स्मार्टफोन को यूज करके यू कैन रिसर्च इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज है. नाउ द थर्ड पार्ट, यहां पे करियर काउंसलर का रोल आ जाता है. प्लीज रिमेंबर, करियर काउंसलर का रोल फर्स्ट रोल नहीं है. फर्स्ट रोल इज द रोल ऑफ द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ. पहले आपको खुद डिसाइड करना है अपने इंटरेस्ट को, उसके बाद तीसरे स्टेप पे देन यू कैन गो टू ए करियर काउंसलर. मेरे पास आएंगे, किसी के पास जाएंगे, किसी सीनियर के पास जाएंगे, किसी टीचर के पास जाएंगे, सर मैंने डिसाइड किया है इस एरिया में मैंने कुछ करना है, अब आप मुझे बताइए कि इस एरिया में एक अच्छा सा ट्रेन बंदा, एक्सपर्ट बंदा बनने के लिए कौन से अच्छी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, कौन से एग्जाम्स हैं. तो वहां करियर काउंसलर बेसिकली आपको एक डायरेक्शन देगा. डिसाइड कभी करियर काउंसलर नहीं करेगा, करियर आपने खुद सबसे पहले डिसाइड करना योर एरिया, उसके बाद देन करियर काउंसलर योर सीनियर योर पीयर वो आपको इंफॉर्मेशन देगा. देखो बेटा इस फील्ड में ये यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं, ये सिटी अच्छा है, ये शहर अच्छा है, ठीक है, ये जॉब्स हैं. तो थर्ड स्टेज पे आपको करियर काउंसलर ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, जो जब आप करियर काउंसलर के पास जाते हो, राइट. उसके बाद द लास्ट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. यहां आपकी प्लानिंग आपने तो डिसाइड कर लिया, पूल ऑफ इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट भी कर लिया. नाउ द फोर्थ लास्ट पार्ट, एक्शन प्लान. असली काम यहां से स्टार्ट होता है. यू हैव टू डिसाइड, याद रख लेना, हम अनफॉर्चुनेटली एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स, चाहे यूपी हो बिहार हो, जब मैं यूजली देखता हूं, यू नो ड्यूरिंग माय एक्सपीरियंसेस इन दिल्ली और एल्सवेयर, हम लोग एक डेडलाइन के साथ नहीं आते हैं. हम लोग कभी भी एक एक्शन प्लान नहीं बनाते हैं. हमको लगता है 6 महीना 1 साल 2 साल कोचिंग करेंगे फिर देखा जाएगा. जब बाहर का कोई बच्चा आता है आपके बिहार से यूपी से, वो एक डेडलाइन लेके आता है. वो अपने को वही 6 महीना ही वो 2 महीना ही देता है. उसने क्लियर किया होता है मुझे इसी 2 महीना या 6 महीने में एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट इज इट. सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. मैं ये चीज आपको क्यों बोल रहा हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिकम, मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर, टाइम पे यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन राइट फ्रॉम योर 11th क्लास 12th क्लास. व्हाई वेस्ट टाइम. अगर 21 साल में कोई आईएएस ऑफिसर बन सकता है तो आप 41 साल का क्यों वेट कर रहे हो. यू बिकम एलिजिबल टू अपीयर फॉर एग्जाम, एग्जाम दे दिया, निकाल दिया, 5 years, कोई वर्क प्रेशर नहीं. अब यूजली लोग क्यों डराते हैं, 16-18 घंटा प्रिपरेशन करना है. वो उन बच्चों को करना है जो ग्रेजुएशन के बाद फिर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है. ऑब्वियसली उन बच्चों को 24 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, उन बच्चों को 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा. बट अगर आप टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, यू डोंट नीड टू डू 10 आवर्स स्टडी. दिन में एक दिन में आधा घंटा सोते वक्त थोड़ा रीडिंग करके सो गए, इट इज मोर देन एनफ. टेक माय वर्ड्स, 11th 12th में है, ठीक है, आधा घंटा दिन में पढ़ेंगे, 1 घंटा कभी भी अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर एकेडमिक जो आप पढ़ रहे हैं उससे हट कर आधा घंटे के अगर आप रीडिंग करें टूवर्ड्स जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या कोई चीज आप करना चाहते हैं, आपको वही आधा घंटा का पढ़ाई कैन फेच यू टूवर्ड्स योर गोल योर विजन. कोई बड़ी बड़ाई आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है. बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग ऑन टाइम. ये चीज नहीं कि ग्रेजुएशन होगा देन आई विल प्लान. बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कर पाते हैं. बट करना है, लेट्स प्लान ऑन टाइम. एक एक्शन प्लान बनाएं, अपने आप को एक टाइम दें, अपने लिए एक डेडलाइन रखें.
अपने लिए ऑप्शन वन ऑप्शन टू रखें, प्लान वन प्लान टू रखें। उसी तरह से विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विजन नहीं है आपको अपने लाइफ में कोई रोड मैप नहीं है। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल टू माई स्टूडेंट्स। अगर आई हैव टू गो टू श्रीनगर, अगर मुझे रोड का पता नहीं है आई विल गेट लॉस्ट। सेम इज द केस अबाउट योर करियर। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है लाइफ में यू विल गेट लॉस्ट। आज के टाइम में वन ऑफ द सीरियस चैलेंज द वर्ल्ड इज फेसिंग, वर्ल्ड के लिए यूथ एक अपॉर्चुनिटी भी है और वर्ल्ड के लिए यूथ एक चैलेंज भी है। अगर वो यूथ प्रॉपरली ओरिएंटेड है, प्लान्ड यूथ है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो यूथ एक प्लान्ड यूथ नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल यूथ नहीं है, देन दैट इज अ चैलेंज। देयर आर टू मेजर कंसर्न्स द वर्ल्ड इज फेसिंग, आवर कंट्री इज फेसिंग, आवर यूथ आर गेटिंग इनटू टू सीरियस इश्यूज। वन इज द ड्रग एडिक्शन एंड अदर इज द डिप्रेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड यूथ। तो अगर हम प्लान नहीं करेंगे, लाइफ में कोई विजन नहीं रखेंगे, हम वही एडिक्शन में जाएंगे। हम स्ट्रेस सिचुएशन में अपने आप को प्रॉपरली डील नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर विजन रहेगा, अपने आप को प्रॉपरली चीजों को प्लान करेंगे, तो इन चीजों से भी हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार चीजें प्लीज, know yourself, explore career options in your interest, third speak to your senior, your teacher or the counselor to explore the best opportunities, chautha the action plan, sabse important deadline, write your deadline chik, write your action plan chik, write your vision chik, man important hai. ye exposure awareness aapko mil raha hai. Hamare time mein it was not possible. जब हम 12th क्वालिफाई कर रहे थे, पास करने के बाद जब श्रीनगर गए तब पता चला कि कोई एमबीबीएस का एंट्रेंस भी होता है। सीरियसली दैट वाज द सिचुएशन। सो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चीजें आप लोग आराम से प्लान कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज करियर प्लानिंग के बाद जो मैंने बताना था आप लोगों से, जैसे फॉर एग्जाम्पल नथी 12th स्टूडेंट्स, जितने भी 12th 11th में हो या 12th में हो या 12th पास आउट हो, बेटा आप लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो, यू शुड मेक अ चेक लिस्ट। जितने भी नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वी ओनली न्यू अबाउट फ्यू। आपको कितना पता है? नीट पता हो या जेई मेंस, जेई एडवांस पता है, जेई मेंस पता है? मगर वहां दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे आपके क्या बताते हैं, जैसे अभी मैडम ने ICAR का शेयर किया, एग्रीकल्चर का, तो मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आफ्टर 12 देयर आर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू प्रोफेशनल कोर्सेज में, सिट फॉर ऑल दोस एग्जाम्स विद प्रिपरेशन। और मैंने देखा है हमारे बच्चों में थोड़ा एक्सपोजर हो जाए, दे कैन डू हार्ड वर्क एट एनी लेवल, टिल एनी लेवल, वहां कोई, वो एक हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और आज के टाइम में बिलीव मी द आईक्यू इज नॉट इम्पॉर्टेंट, योर इमोशनल स्ट्रेंथ, योर कॉन्फिडेंस, योर मोटिवेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगे आप कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो भी फैमिली बैकग्राउंड हो, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, डजंट मैटर। यू हैव दैट एक विल होना चाहिए, बस विल हो, आप आराम से यू कैन रीच योर ड्रीम गोल। So, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स लिस्ट किया था, अभी जैसे नीट है, जेई मेन्स है, स्पेसिफिकली हमारे साइंस के बच्चों के लिए ICAR के एग्जाम है, दोस्तों यहाँ एग्जाम करते हो, कितने लोग हमारे डिफेंस एकेडमी में जा रहे हैं? हम सबों को शौक है ना कि 18 साल का यहाँ 3 स्टार लगाए, वी कैन बिकम दो स्टार लगाए, लेफ्टिनेंट फिर मेजर। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक वो होता है नेशनल लेवल पे एग्जाम, ठीक है। सो एनडीए एग्जाम में यूजुअली प्लीज नीट के लिए तो हम बैठते हैं, जेई मेंस दोनों साथ हुए, बट प्लीज आल्सो ट्राई फॉर डिस्टेंस डिफेंस एकेडमी एग्जाम, नेशनल लेवल एकेडमी एग्जाम हर साल होता है। हमारे 12th के पास आउट या 12th अपीयरिंग वाले वो दे सकते हैं, एकदम से आप
यू नो आर्म फोर्सेस में कैन बिकम ए लेफ्टिनेंट. हम बहुत कम लोग वहां जा रहे हैं. त्याग सोचला आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज AFMC वो आप वो भी ये क्या कहते हैं कि 12th के बाद ये एंट्रेंस कंडक्ट करता है. आप आर्म फोर्सेस में यू कैन बिकम ए डॉक्टर. AFMC का एग्जाम होता है. That's what I am medical and NEET में ना AIIMS का होता है. All India Institute of Medical Science. That's all I बहुत ही reputed institute Pondicherry में जिपमेयर जैसे जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च रखा हुआ. सो यू नो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां आप जा सकते हैं और यू नो इन चीज थोड़ा यू नो अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और ये लुधियाना में, प्लीज नोट डाउन, ये इनका अलग से एंट्रेंस होता है इन सबों का, चाहे FMC हो, AIIMS हो, जिपमेर हो. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विल्लोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना है, दोनों नाती मणिपाल, ये एक मणिपाल यूनिवर्सिटी है. ये यूजली मेडिकल एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम नीट के बगैर. नीट के बाहर ये जो कुछ आपका सिलेक्शन होता है, JEE एडवांस जब आप देते हैं, आपका IITs के लिए सिलेक्शन होता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडमिशन टेस्ट अलग से होता है अगर आप लोग स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं. इसी तरह से बहुत एक रिप्यूटेड यू नो इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जरे, इनका अलग से होता है. AMU का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीटेक अलग से इंट्रेंस होता है. जामिया मिलिया इस्लामिया का बीटेक अलग से होता है. तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अगर हम लोग अपने आप को अवेयर रखें, कुछ ही एंट्रेंस को छोड़कर और भी बहुत सारे एंट्रेंस हो, उसमें भी आप कोशिश करें, उसमें भी आप लोग अप्लाई करें. बहुत सारे हमारे बच्चे में भी फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं. नाती रिमन कंट्री का रिप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT निफ्ट सेक्शन, इनके बहुत सारे कैंपस हैं, जैसे आप अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, वहां जा सकते हैं. यू कैन मेक अ वेरी गुड कितने बच्चे नाती कॉमर्स जो पढ़ते हैं, CA होंगे ना, CA आज के टाइम में जितना CA चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं. 12th के बाद अगर हम वो तीन स्टेज वाला एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यू कैन बिकम CA चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं स्पेसिफिकली नाती 12th में है या 12th पास आउट हैं, थोड़ा इन चीजों को एक्सप्लोर करें. और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता था कि डायरेक्ट फाइनेंस जो है, इकोनॉमी जो है, पैसा एक पैसे के टाइम में बहुत बड़ा हर्डल होता था कि पढ़ने के लिए कहीं जाने के लिए जाता हूँ फाइनेंस से जुड़ सकूँ. डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे फेलोशिप्स हैं जिसमें आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी डिग्रीज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल नाती 12th पास हो सके अपना प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में होगी ना, जगह जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक मौका दिया जाए कंट्री के डिफरेंट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाके एजुकेशन हासिल करने का. तो ये जो स्पेशल स्कॉलरशिप है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ये सिर्फ लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए. अभी भी जितना हमारे पास 12 पास आउट होते हैं उस हिसाब से बहुत कम एप्लीकेशन आता है. मैं खुद पिछले कुछ सालों से इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रहा था, बहुत कम एप्लीकेशन आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट. अब ये स्कॉलरशिप और दूसरे स्कॉलरशिप के बीच में डिफरेंस ये है, दूसरे स्कॉलरशिप में आपको यूजली गवर्नमेंट गिव्स यू मनी इन योर अकाउंट, इस स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट डायरेक्टली गिव्स यू द एडमिशन लेटर. आपको डायरेक्टली एडमिशन लेटर ईमेल आ जाता है इंस्टीट्यूट का, कोई पैसे का वेट नहीं कर रहा, एडमिशन लेटर आ जाता है. वही एडमिशन लेटर लेके जहां जिस कॉलेज का, जिस इंडिया में, जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, वहीं आपने सीधा जाना डायरेक्टली. पैसे का कहीं भी लेन देन नहीं है, कॉलेज को डायरेक्टली पैसा आ जाता है आपके एडमिशन फी. इनफैक्ट आपके अकाउंट में 1,00,000 आपके मेंटेनेंस के लिए, हॉस्टल चार्जेस के लिए, वो आपके अकाउंट में आ जाता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर इन द DBT. तो ये चीज है, ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. पता नहीं ये स्कीम कितने साल तक रहेगा, बट प्लीज मेक गुड यूज ऑफ दिस स्कीम. आप नहीं तो अपने कम्युनिटी में, अपने नेबर में किसी को बताएं. 5,000 स्कॉलरशिप इन दिस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम में 5,000 स्कॉलरशिप, तो सबों के लिए 4,000. और मेरिट पे होता है, 12th क्लास में एग्जाम में जितना आपका मार्क्स होगा
उसी हिसाब से आपका ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। अब आया इस स्कॉलरशिप में ये नीट वालों को भी सपोर्ट करता है, बट नीट में डायरेक्टली मेडिकल एमबीबीएस में एडमिशन नहीं देता है, पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, देखना नीट जिस मेडिकल कॉलेज में आपका जितना भी खर्चा है एमबीबीएस का, एकेडमिक्स का या हॉस्टल का, वो डायरेक्टली क्या करता है वो इंस्टीट्यूट को देगा, बट उसमें नीट में आपने क्या करना है, पहले क्वालिफाई करना है। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन, कोई एग्जाम नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th एग्जाम, 12th क्लास के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। मैं कुछ रिप्यूटेड सी आइडिया यही है कि ये सारे इंफॉर्मेशन इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, बट आपको थोड़ा राह दिखाना, आपको थोड़ा एक्सपोजर देना। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे लगता है हमारे बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर नॉलेज होना चाहिए कि वट आर द मेजर रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री, कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं। मेबी अगर हम लोग कभी प्लान करें बाहर जाने का, यू शुड ऑल्सो हैव दिस नॉलेज, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो मैंने लिस्टेड किया जो कंट्री में जिनका बहुत बड़ा नाम है, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अशोका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, IITs ऑफ इंदौर, IITs हर मतलब बहुत सारी जगहों पे आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs। सो ये कुछ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, मतलब प्रेफरेबली कोशिश होता कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह इससे जा रहे हैं और कहीं भी अप्लाई करें, नो, यू शुड ट्राई फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, फिर नहीं होता है देन यू कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस। इनके मैं बात कर रहा था, कुछ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट, दे आर वेरी गुड चॉइसेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा प्लस टू के बारे में थोड़ा बता दिया आपको, थोड़ा ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू इवन प्लस टू वाले एकेडमीज में है, हु आर गोइंग टू कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, ये दो एग्जाम्स के लिए आप हमें तैयारी करना पड़ेगा नाउ, हाँ है ना, चाहे यूपीएससी एग्जाम्स हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का या एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम्स लद्दाख स्पेशल रिक्रूटमेंट अभी मई जून में होने वाला है, ठीक है। सो यूपीएससी एग्जाम्स नेशनल लेवल पे गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है, हमारे आईएएस हुए, आईएफएस हुए, आईपीएस हुए, बस वहाँ दैट्स ऑल, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी बोलते हैं उसको, वो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है और उसमें भी बहुत टाइप के एग्जाम्स है, जैसे नीचे मैंने लिखा है CGL मीन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, CPO कंबाइंड पुलिस ऑफिसर। मान लीजिए हम में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं दिल्ली पुलिस में ऑफिसर कैसे बनता है, वो यूजुअली वही लोग हैं जो SSC के थ्रू CPO का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, वो दिल्ली पुलिस सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस है, दिल्ली पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होगा, एयरपोर्ट का CISF होता है, तो उनमें बेसिकली आप जा सकते हैं डायरेक्टली। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है CBI में कैसे जाएं, तो ये बड़े बड़े NIA CBI पोस्टल, तो ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री में, उनमें वही लोग जाते हैं जो यूजुअली SSC के एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। तो याद रखें UPSC और आपका SSC। नेक्स्ट, बहुत ब्रीफली UPSC का थोड़ा आइडिया देता हूँ कि आप मे बी हमारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो अपियर हो जाएंगे। तीन स्टेजेस में होता है, पहला स्टेज प्रोजेक्शन प्रीलिमिनरी, ठीक है, वो MCQ बेस्ड होता है, दो पेपर होता है, जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, फिर आपका CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स। बहुत ईजी हो गया, हमारे टाइम पे क्या होता था जब ऑप्शनल एक पेपर भी का भी एग्जाम देना पड़ता था, अब वो खत्म कर दिया। मान लीजिए मैं जोलॉजी का हूँ तो मुझे जोलॉजी का एक पेपर लेना पड़ता था,
पॉलिटिकल साइंस वाले को उसका एक पेपर लेना पड़ता था, ऑप्शनल पेपर, और वो खत्म हो गया। अभी इसीलिए दो पेपर रखे हैं, जनरल स्टडीज का सिसेट। तो फिर अगर ये क्वालिफाई करते हैं देन यू मूव टू नेक्स्ट स्टेज, मींस रीजन पार्ट। नौ पेपर्स होते हैं, दो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, उनके मार्क्स बाद में टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज आना चाहिए, याद रख लेना। आईएएस बनना है तो यूजुअली हम लोग लैंग्वेज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इंडियन लैंग्वेज जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, हिंदी हो, उर्दू हो, उर्दू हो, एक लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वो एक पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, वो पास होंगे तभी आपका ये नेक्स्ट पेपर चेक होंगे। इसी तरह से इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, फिर आपके मेन सिलेबस में एक ऐसे पेपर, चार जनरल स्टडीज के और दो पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट। जब आप सिर्फ आपको ओवरव्यू देना, आप घर जाके गूगल करेंगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, ठीक है। और लास्ट आपका पर्सनल टेस्ट इंटरव्यू होता है जो 275 मार्क्स का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है आपका मेंस। अगर आपका मेंस अच्छा गया, मेंस पे आपने अच्छा स्कोर किया, इंटरव्यू में 275 में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिसमें आप आराम से 200-150 आराम से स्कोर कर पाते हैं। और जो बच्चा मेंस क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू में ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा करता ही है। तो मेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें मेहनत करेंगे यू कैन आराम से क्वालिफाई। नेक्स्ट, ये दस अपना एसएससी एग्जाम पैटर्न है। टायर वन फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, अस्या नकी लद्दाख रिक्वायरमेंट एसएससी छात्र सेम पैटर्न होगा। इट्स गोइंग टू बी द सेम पैटर्न। टायर वन में ये सब चीजें, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड और लास्ट कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ठीक है। थोड़ा घर पे जाए, गूगल करें, ठीक है। नेक्स्ट, अदर देन ये जो एसएससी यूपीएससी के बगल भी और बहुत सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, हम लोग बहुत कम फॉर्म भरते हैं। नर्सिन एटलीस्ट ना फॉर्म ही, कोई बच्चा फॉर्म ही भरता रहे ना, हर साल इतने फॉर्म निकलते हैं इन सबों का, फॉर्म ही भरता रहे, यू नेवर नो कब फिट हो जाए। बट एटलीस्ट कुछ तो हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। जिक्स में जिक्स फॉर्म्स का हुआ लता नंबर ले जिक्स दू दे 4,000 फॉर्म ले सकते। दोस 12,000 आर ओनली द नंबर्स, क्वांटिटी दे आर नॉट क्वालिटी। 12,000 में कितने क्वालिटी फॉर्म्स होंगे यू टेल मी, नथिंग दी फोर्स फॉर नॉट सेवन दे। थोड़ा मेहनत करके देंगे तो नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। वो देखा देखी महंगास काम इंग्लिश दो क्योंकि अपने यहाँ शू सम फॉर्म्स काम दू दे। बट क्वालिटी कितना होता है, कितने लोग थोड़ा प्रिपरेशन करके फॉर्म भरते हैं, वो मैटर करता है। तो नंबर से कभी नहीं घबराना है आपने। SBI, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का, बाकी जो नेशनलाइज बैंक्स हैं, LIC है, RBI का है, कंबाइंड। मान लीजिए NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका प्लस टू लेवल पे नहीं हुआ, आपको और एक मौका मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक्सचेंज। ग्रेजुएशन के बाद भी अगर ये एग्जाम देंगे आप क्वालिफाई करेंगे, यू कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर, CBS। दस एयरपोर्ट आए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो एग्जाम कंडक्ट करता है हर साल। You can become an air traffic controller. You can, ना जितने भी airports में traffic management होता है, air traffic, वही air traffic controllers करते हैं। IB में assistant central intelligence officer आती through normal persons होते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं IB में अभी जाते हैं, forms का मेहनत कर qualify। ऐसे मतलब form नहीं भरेंगे तो हम सिर्फ देखते रह जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब तो वह central armed police forces, इंडियन कोस्ट गार्ड होती है, आर्मी में ऑफिसर एंट्री लेवल का है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स है। प्लीज गूगल, प्लीज रिसर्च, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ योर स्मार्टफोन्स। बहुत सारे डाउन दिन ऑनलाइन अब वो हार्ड कॉपी वो एप्लीकेशन वाला भी सिस्टम खत्म हो गया। अपने फोन पे यू कैन डायरेक्टली यू नो अप्लाई, यू कैन डायरेक्टली पे फी, खत्म। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब डी फैसिलिटी होते हैं, जैसे किसी को यूपीएससी करना है या एसएससी का एग्जाम देना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें मतलब एसटी माइनॉरिटी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो यूपीएससी एग्जाम के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए जामिया हमदर्द रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट 25-30 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी हमारे जेके कैडर के लोकल ऑफिसर्स आते हैं, शाह सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको खाना पीना सब वहां मिलता है, आपको कोचिंग भी वही होता है।
ये फैसिलिटी आर यू थिंग, आप डिसाइड करो, आप अप्लाई करो, आराम से बैठ के कैन डू द कोचिंग। जतोला जामिया मिलिया इस्लामिया वो भी रेजिडेंशियल कोचिंग चलाता है, एएमयू चलाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को ये स्कीम मिला है कि भाई आप अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे दो, ठीक है। जतोला मैंने ये माइनॉरिटी अफेयर से नया सवेरा फेलोशिप देती है, मीन्स आप कोचिंग करो यहाँ से आपको पैसा मिल जाता है। दोला नया सवेरा जैसे नकी यूटी लद्दाख से रिसेंटली ये स्कीम स्टार्ट किया रेवा स्कीम, कि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं उनको हमारे यूटी ऑफ लद्दाख अंडर रेवा स्कीम सपोर्ट करेगा, समझ गए। दतोला वकफ बोर्ड ने ज़कात फाउंडेशन हज कमेटी, क्योंकि लोगों ने रियलाइज किया कि हमारे पास पोटेंशियल्स हैं, हाँ अगर हम इन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो ये आईएएस ऑफिसर बनेंगे, अपने लिए भी कुछ करेंगे, अपने फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा था। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने भी कोचिंग देना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन यंग मतलब ग्रेजुएट खुलना, जैसे मास्टर्स हायर एजुकेशन सुना था, बहुत सारे ये एंट्रेंसेस होते हैं आपके स्टेट लेवल पे, बट मैं कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बाद बात करूंगा जो बेसिकली आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला सकता है। ये कुछ एडमिशन टेस्ट हैं जो जहां कोशिश करना चाहिए, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ तो आप बहुत मतलब अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे आपका ट्रेनिंग होगा। एक तो जवाहरलाल जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट होता है, यहाँ अप्लाई करें। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है मास्टर्स लेवल पे, वहां अप्लाई करें, इनका अलग से एंट्रेंस होता है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ना आते, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर बाकी जो हरियाणा है सारे सेंट्रल, आप एक्चुअली थोड़ा आप लोगों को फैसिलिटी देने के लिए आपको हर एक यूनिवर्सिटीज का अलग अलग से अप्लाई नहीं करना है, सारे यूनिवर्सिटीज मिल के एक ही एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं जिसमें आपके मेरिट के हिसाब से आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मिल जाता है। नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट है वन ऑफ द रिप्यूटेड इंटरेस्ट टेस्ट, और बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं क्वालिफाई इंटरेस्ट टेस्ट, एमएससी फिजिक्स बायोलॉजी कंप्यूटर मैथमेटिक्स वाइल्ड लाइफ केमिस्ट्री इंटरेंस टेस्ट कंडक्ट करता है। ये बहुत सारे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ये अच्छे, इनमें आपका प्लेसमेंट हो सकता है। ज्वाइन एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम, इसमें जितने भी बैंक आती आईआईटीज एनआईटीज में भी चाहे आर्ट्स हैं चाहे साइंस हैं उनका उनमें भी पीजी होता है। आईआईटीज में आप सिर्फ इंजीनियरिंग में नहीं होता है, आप आर्ट्स सब्जेक्ट में भी पीजी होता है, आर्ट सब्जेक्ट में भी पीएचडी होता है। सो ना, तो ये जैम टेस्ट अगर आप दोगे तो यू कैन गेट ए प्लेसमेंट इन आईआईटीज में एनआईटीज में एनआईएससी या आईआईएससी या आईआईएससी बैंगलोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है। जैम आती थ्रू कर चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आजकल रिसर्च के लिए जर्मनी में, मतलब आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। नेक्स्ट, दूला जस्ट जस्टिस, ये भी बहुत रिप्यूटेड इंट्रेंस टेस्ट है, ज्वाइंट इंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर ये आप टेस्ट दोगे तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, टोटल 24 इंस्टीट्यूट है इसमें, इन सब में ना ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ इंडिया के, बाकी हम मामो के, मतलब ये जो तीन टेस्ट हैं जैम जस्ट ना TIFR, ये रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पीजी करने के लिए मौका मिल जाता है। तो ये फॉर्म आपने लाइफ में एक बार भरना चाहिए। मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, मगर आपको उसमें मजा नहीं आया, आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जहां किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, चाहे आपने साइंस पढ़ा हो चाहे आपने आर्ट्स पढ़ा हो इंजीनियरिंग पढ़ा हो, यू कैन गो फॉर दिस कोर्सेस एट पीजी लेवल। लॉ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जर्नलिज्म सोशल वर्क इंग्लिश ट्रेवल टूरिज्म पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशंस, ये कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल हैं टू डू ए मास्टर्स कोर्स। नेक्स्ट, जैसे मैडम ने भी कहा था स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, आप सबों को पता है स्कूल अप टू यूजी इन पीजी सब पे जाता है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तो मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल से मिलता है या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मतलब ध्यान रखें, जहाँ अप्लाई करें स्कॉलरशिप के लिए भी आपके पास स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई करें।
मैं भी बहुत सारे जगहों पे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के वजह से नहीं आ पाऊं, बट यूजुअली ये सब स्कॉलरशिप आता है अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, यू कैन जो भी आपने इन्वेस्ट किया एजुकेशन में वो आपको वापस मिल जाता है। दीज आर स्पेशल स्कीम्स स्पेसिफिकली एसटी स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट द लास्ट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा आप अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाएं। व्हाई स्टडी अब्रॉड, यू नो अब्रॉड क्यों जाए? कुछ चीजें मैंने लिस्ट किया है। अब्रॉड जाने के लिए सुनना बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारा खर्चा था। अभी 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आपके सरकार से अवेलेबल है, होस्ट कंट्री जहां जा रहे हैं वहां से भी अवेलेबल है थ्रू कल्चरल एमओयूज, होस्ट यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है। सो स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, रहना खाना पढ़ना अब्रॉड किसी भी कंट्री में आराम से जा सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन है, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ही जबरदस्त है अब्रॉड, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। इसका एक फायदा यह है, एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाता है आप लोगों को, जिस बाहर जिस कंट्री में जाएंगे बहुत सारे कंट्री संगठन लर्निंग को किताबें याद रख लेना प्लीज। मैंने पहले कहा ना हमारे बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, किताबें युग से उत्पन्न कल बहुत बड़ा फेलियर हो, कहीं क्वालिफाइड नहीं है, अपने आपको संभाल नहीं पाता। किताब के लर्निंग के साथ साथ यू शुड ऑल्सो ग्रो योर सेल्फ, अपने आप पे काम करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये ग्लोबल एक्सपोजर कहाँ से आता है? जब आप कॉलेज की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, फ्रॉम मोटिवेशन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जब दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, कल्चरल कनेक्ट होता है, इन सब से हम अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, आपका पर्सनैलिटी ग्रूम होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। योर डिग्री ओनली कंट्रीब्यूट 25% इन योर सक्सेस, 75% सक्सेस कम्स फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। कोई मेरे पास बच्चा है बहुत बड़ा डिग्री होगा मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मगर वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हिज डिग्री हिज मार्क्स आर यूजलेस। स्पेसिफिकली मैं स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हूँ, बिकॉज स्कूल और कॉलेज एक ट्रेनिंग फेज है, याद रखिएगा, आगे रियल लाइफ के लिए आपको तैयार करने का ट्रेनिंग फेज है। In addition to your academics, please engage yourself in all the activities of the school and the college, जिससे आपका थोड़ा personality grooming होगा। ये अपना आता हूँ higher education और छाना देर सब आता हूँ, क्योंकि बहुत सारा work pressure, study pressure होता है, हम इन चीजों पे काम नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ school and college पे अपने personality पे, अपने soft skills पे, आजकल इनको essential skills कहा जाता है, क्योंकि यही important है, वो कुछ important नहीं है, तो इन पे काम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपको मौका मिलता है करें, बाद में फिर काफी लेट हो जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज सारा इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि एक मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एक ही लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश रहता है, तो आपके लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं, है ना। करियर अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली आप अब्रॉड से कोई डिग्री लेके आते हो, आपके बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, आपके पास क्वालिटी होता है जो जिसकी बात मैंने पहले किया आपको, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मैं ये एक डाटा देख रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 2021 का डाटा है, हम लोग ही नहीं जा रहे हैं बट पूरा हिंदुस्तान जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग डाटा, 1 million आज के टाइम में, जनवरी 2021 गवर्नमेंट का डाटा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, दो कोविड के टाइम में डाटा, 1 million मीन्स 10 लाख इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन 85 कंट्रीज आज के टाइम में। सबसे ज्यादा कहाँ है? कनाडा, फॉलोड बाय यूएस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस, ये कुछ कंट्रीज है जहां हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। अभी 2021 है, हम लॉकडाउन में थे ना, उसमें भी 72,000 इंडियन स्टूडेंट्स बाहर गए स्टार्टिंग पे एडमिशन के लिए अब्रॉड। सो अगर आप में से कोई जा सकता है प्लीज गो फॉर इट, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज, सब जा रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जब भी इंटरनेशनल एडमिशन के लिए हम कोशिश करें, इन तीन चीजों पर थोड़ा काम करना पड़ता है। आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में दोनों रिक्वायरमेंट में, मगर अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं ये तीन चीज, क्योंकि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहता है बहुत सारे, तो जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से जो जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनको एक एग्जाम देना पड़ता है, IELTS इंग्लिश टेस्टिंग एग्जाम,
या TOEFL टेस्टिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, इन दोनों में से एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है टू सर्टिफाई कि इस पर्टिकुलर बच्चे का इंग्लिश जो है ठीक है, ही कैन कम्युनिकेट, ही कैन परसीव द कोर्स, डू नंबर वन रिक्वायरमेंट है। नंबर टू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कौन एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, एक जनरल बोला जीमेट, जीआरई ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन या एलसेट, मतलब कुछ ये जनरल टेस्ट है जो क्वालिफाई करना पड़ता है, सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं है बट कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज में है। द लास्ट तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यू नीड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना बहुत ही जरूरी है फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, किसी से कि भाई इस बच्चे ही आपको जो आपको रिकमेंड करे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो पूछते हैं कि भाई आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, क्यों ये चीज पढ़ना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक दो पेज का लिखना पड़ता है। यू नो लास्ट स्ट्रॉन्ग रिज्यूम, स्ट्रॉन्ग रिज्यूम का क्या जरूरत। अभी मैं कुछ हमारी लड़कियों को बताया, मैं कुछ लड़कियों को रिक्रूट कर रहा था, एक स्पेशल जॉब रेडी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं 30 बच्चों का करीब से, स्पेशली उन बच्चों को हम जॉब के लिए रेडी कर रहे हैं। अब उन बच्चों को जब मैंने कहा कि रिज्यूम दे दो जरवाना, उनके रिज्यूम में आपके पास सिर्फ डिग्री दू गया, आपके रिज्यूम में बस और कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम वही चीज बाहर होता ना, डिग्री खड़ा होता ना, खोए रिज्यूम पे हम डिग्री आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस, उन्होंने ज्यूरिंग स्कूल ज्यूरिंग कॉलेज बहुत सारे इंटर्नशिप किया होता है, बहुत सारा वॉलंटियरशिप किया होता है, दी चीज सुन यहाँ बहुत काम आ, उसी को स्ट्रॉन्ग रिज्यूम से। अगर कोई भी अब्रॉड जाना चाहता बेटा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये फेलोशिप है, नेशनल ओवरसीज एसटी फेलोशिप फुली फंडेड, आपको पीएम पेपरलेस को अप्लाई करना, आपको ये फेलोशिप मिल जाता है और आप जहां भी जाए वहां जाके आप लोग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो परदेश स्कीम, नकली माइनॉरिटी अफेयर से दो स्कीम होती है बाहर जाने के लिए, दो सिर्फ स्टूडेंट सब है, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स और सबों के लिए ये पढ़ो परदेश स्कीम है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो वहां की गवर्नमेंट देता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना यूके के बीच में कुछ एमओयूज होता है, एमओयूज है जिसके बेसिस पे वहां की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रहा है वहां पढ़ने के लिए। यूके गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप चेन ये लिख के रखना, शिवनिंग, यहाँ पीजी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, कचांस ऑफ प्रोफेशनल मिड कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, रिफ्रेशर के लिए जा सकते हैं, फुली फंडेड। नेक्स्ट, दैट वाज़ द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप चैंपियन। नेक्स्ट, ये है यूएस की गवर्नमेंट देता है इंडियन को या बाकी कंट्रीज को, आप वहां जाके कर सकते हैं, यहाँ पीजी पीएचडी रिसर्च प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम सब चीजें फुल ब्राइट, याद रख लेना, मे भी कभी आप लोग अप्लाई करेंगे, ये यूएस गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट, ये यूरोप का है, बहुत ही रिप्यूटेड फेलोशिप है, डार्ट जर्चिन, जर्मन जर्मनी में जितने भी ये है यूनिवर्सिटीज हैं। नेक्स्ट, दैट्स ऑल ऑफ ग्लोबल कोरिया, दिस इज नॉट नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया में भी यूजी लेवल पे आपके फेलोशिप्स हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट, इस स्कॉलरशिप में कश्मीर से बहुत लोग जाते हैं, तुर्की गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, यूजी पीजी पीएचडी रिसर्च हर चीज के लिए हर साल निकलता है, पता नहीं 2,500 या 3,000 स्कॉलरशिप। नेक्स्ट, इसको ये एक रिप्यूटेड एनजीओ का स्कॉलरशिप है, बच्चों को इंडियन स्टूडेंट्स को देता है, रोड स्कॉलरशिप, कहाँ पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ट्राई, स्काई इज द लिमिट, क्या पता आपको हो जाए, यू नेवर नो, रोड स्कॉलरशिप। सो लास्टली, जैसे कि ऑलरेडी बता रहा था बेटा, अपार्ट फ्रॉम योर डिग्रीज, इन सबसे इंपॉर्टेंट है योर, इनके साथ सॉफ्ट स्किल्स, प्लीज इन पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर कॉलेज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर स्कूल इन पे काम करें, दे आर कॉल्ड नाउ, दे आर कॉल्ड एसेंशियल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश को नहीं जरूर, याद रख लेना, किसी को इंग्लिश अच्छा बोलना आए ये जरूरी नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, नो, किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप अपने आइडियाज, अपनी बात को क्लियरली इफेक्टिवली कन्वे कर पाए, वो हो गया कम्युनिकेशन स्किल। इट कैन बी योर कुर्गी लैंग्वेज, शीना लैंग्वेज, इंग्लिश, उर्दू, एनीथिंग, बट एक लैंग्वेज पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए,
those are just in communication skills, critical thinking, problem solving, है ना, थोड़ा out of box thinking करने की कोशिश करना है. सभी लोग जो सोचते हैं उस तरह नहीं सोचता, थोड़ा अलग सोचना है, अपने comfort zone से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करना है. फियर उस लाइन में हम अपने आप को बंद रखते हैं जो आपका सक्सेस है उस लाइन के बाहर है. यू नीड यू शुड कम आउट ट्राई टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम वर्क एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैडम इसका तो मुबज्जर. सो टाइम पे कोशिश करना है, लीडरशिप स्किल्स एंड मैनेजमेंट के लिए सब चीज सॉफ्ट स्किल्स में जो आपको अलग से नहीं सीखना है, अलग से ट्रेनिंग नहीं लेना है, अलग से नहीं पढ़ना है. देयर आर दिस स्कूल कॉलेज शिक्षक एक्टिविटीज मिलना है तो स्कूल में मतलब सबक तक मिल दो एक बच्चे दो बच्चे कसरी सबक को बच्चे दो इम्पोर्टेंट है प्लीज. इट इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव यूर पर्सनैलिटी. जब तक उसमें एंगेज नहीं होंगे आप ग्रो नहीं करेंगे, तब तक आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बनेंगे. जब आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो ना, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन ना, हम खुद पढ़ते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं, खुद प्लान करते हैं, पर उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना हो, अपने आप को ग्रो करना हो. सो विद दिस वर्ड्स मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ क्लोज करता हूँ. हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है पिछले कुछ साल से, हम कोशिश कर रहे हैं लगा अपॉर्चुनिटी अलर्ट सरिंग अच्छा ग्रुप चेंज हो सर, जिसमें बेसिकली हमारे बच्चों को हम लोग थोड़ा गाइड करते हैं, इस पे इंफॉर्मेशन देते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिले हम लोग वी हैव फोर अभी तक चार व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं, फेसबुक पे भी हैं. तो यू नो यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल लगा अपॉर्चुनिटी अलर्ट्स, व्हाट्सएप नंबर वही है और फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं. रेगुलर इंटरवल्स पे जो जहाँ जहाँ हमें लगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है इन आवर कॉन्टेक्स्ट हमारे बच्चों के लिए हम लोग शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच. No question is a stupid question. ये चीज याद रखना, कोई भी question stupid question नहीं होता है. कुछ we can ask anything you feel like. मेरे क्वेश्चन सर ये भी करें कि लाख यूटिल है वो रेवास की लॉन्च किया है सर, इन के अबाउट योग्रेट या बोल रेवास के सर जो इसमें ज़्यादा अच्छे मैंने सर देख रहा है क्या है सबसे बढ़ने के लिए जिसमें मैंने जिसने टेन के लिए इस स्टेज पे इसमें क्या है कि जिसने प्री क्वालिफाई करा होगा उस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं. जिसने बेसिकली नाटी यूपीएससी एग्जाम या अप्लाई चूज़ प्रीलिम्स स्टेज को जो फर्स्ट स्टेज जो है उसको अगर क्वालिफाई किया है तो उस बच्चे को मेंस के लिए और आगे के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इनके लिए. हाँ उनके लिए मगर मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है यार वो दो बाकी एन सामा तो क्वेश्चन बचा जामिया हमदर्द है जामिया मिलिया है बहुत सारे ये बोर्ड्स जो आपको फ्री कोचिंग करा रहे हैं उनमें फॉर्म भरना है ठीक है और उनमें कोशिश करना है. सर इसमें ऑप्शन मतलब ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है प्रोफेसर की उस फॉर्म भरने के लिए वहां पे टेंथ की मार्क्स कार्ड अपलोड करने के लिए या 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड करने और रोल नंबर चाहिए वहां अपलोड करने के. ज्यादातर बच्चों का नहीं होता सर गुम रह चुका होता है जैसे कि रोल नंबर की तो इतना संभव ही नहीं रहती. किस कौन सा रोल नंबर से वहां है सर फॉर्म में वहां ऑप्शन है मार्क्स कार्ड अपलोड करने के लिए और रोल नंबर चाहिए उनका दूसरा जो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए जो यूपीएससी के लिए वो बेसिकली आपका ये जिसने प्रीलिम्स क्वालिफाई उसको वो लोग सपोर्ट करते हैं.